नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मजदूरों पर सियासत की। जी हाँ, एक और मजदूर सड़क पर है, परेशान है, हलकान है, मर रहा है सड़कों पर और पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी ओर इसको लेकर के सियासत भी जोरदार हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिख करके कहा कि आप हमें एक ये जो हमारे मजदूर भाई हैं जो सड़कों पर हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए हमको 1000 बस चलाने की इजाज़त दीजिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो बना करके भी सीधा उसको YouTube पे डाल दिया और तमाम सोशल साइट पर भी डाल दिया। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने भी आज जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि आप अपने जो 1000 बसें हैं उनके ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं उनकी सबकी लिस्ट बना करके हमको दे दीजिए, हम वो बस चलाने की आपको इजाज़त देते हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर से बात किया, बोला ठीक है, आप बहुत शुक्रिया योगी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 1000 बस चलाने की इजाज़त दी है और हम इसका पूरा विवरण आपको भेज देंगे। तो कुल मिलाकर के सियासत इस पर जोरदार चल रही है, कौन किस पर भारी होगा ये इसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच मजदूरों की जो हालत है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। मजदूर बेचारा हैरान है, परेशान है कि वो करे क्या। राजनीतिक पार्टियां दावे पर दावे कर रही हैं कि उनको कोई भी किसी प्रकार भी सुविधा असुविधा नहीं होने पाएगी और उनको हर चीज़ मुहैया करा पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक पार्टियों के दावे इतने मजबूत हैं तो ये फिर श्रमिक पैदल चल क्यों रहे हैं, और अब तो उनको पैदल चलने भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये हरियाणा की भी कुछ तस्वीरें हैं, दूसरे प्रदेशों की तस्वीरें, लेकिन चलिए इस बीच हम आपको एक अच्छी खबर बताते थे। हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास ले चलते हैं आपको। देश में लॉकडाउन की तारीख जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, और बढ़ रही हैं यूपी में मजदूरों का सियासी जंग। सत्ता में बैठी योगी सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच मजदूरों के मुद्दे पर तीखी जुबानी जंग तेज हो चली है। सोमवार को गाजियाबाद में उबड़ी मजदूरों की भीड़ पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार कर दिया। पलायन की तस्वीरों से लेकर मजदूरों की बदहाली तक कांग्रेस ने योगी सरकार से सवाल दागे। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को गरीब और मजदूर विरोधी करार दिया। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया था, क्या आप इस जनादेश का उन लोगों से बदला लेने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में श्रमिक एक एक वोट जो आपको दिया है उसका हिसाब लेने का काम करेगा। बता दें कि इससे पहले सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर हमला बोलते हुए लिखा कि प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या में घर जाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जुटी है। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती, यदि एक महीने पहले ऐसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कल हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात कही, बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया तो यूपी सरकार को राजनीति सुस्ती रही और हमें परमिशन तक नहीं दी। विपदा के मारे लोगों को कोई सहूलियत देने के लिए सरकार ना तो तैयार है और कोई मदद दे तो उसे इनकार है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जिन 1000 बसों की बात कही है उसको लेकर योगी सरकार को चिट्ठी लिखी
और चिट्ठी और वीडियो मैसेज के जरिए योगी सरकार से अपील भी की गई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। मजदूरों की भीड़ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्विटर पर कांग्रेस पर सवाल दागे गए हैं। यूपी सीएम ने पूछा है कि औरैया में एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था, क्या कांग्रेस पार्टी औरैया में हुई दुर्घटना की जिम्मेदारी लेगी? आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल क्यों भेजा? अब तक 1000 बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं कराई गई। हमलावर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार सिर्फ यहीं तक नहीं थमा। बीजेपी ने सियासी मुद्दे पर एक चिट्ठी भी कांग्रेस को भेजी, इसमें बसों और मजदूरों की जानकारी, ड्राइवर और कंडक्टर की लिस्ट उपलब्ध करने की बात लिखी है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में कांग्रेस से लिस्ट मांगी। टीम 11 की बैठक में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों के सुरक्षित एवं सम्मानजनक प्रदेश में वापसी के लिए निर्देशित किया है कि हम सभी लोग उनकी वापसी के लिए हर प्रदेश से संपर्क में रहें और हर हालत में जहां भी जिन भी प्रदेशों से सूची कामगारों की और श्रमिकों की आ जाती है उनको सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि गाजियाबाद में सोमवार दोपहर को श्रमिक ट्रेनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हजारों मजदूर एकजुट हुए थे। रामलीला मैदान इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ और भीड़ बेकाबू नजर आई। इन तस्वीरों को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से यूपी सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन बड़ा सवाल है कि देश और देश का मजदूर मुश्किल में है तो ऐसे वक्त में सियासी बयानबाजी क्यों हो रही है? आखिर गंभीर मुद्दों पर सियासी घमासान कब थमेगा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज। जी हाँ, कब थमेगा ये सियासी घमासान और कब थमेगा ये जो आप विजुअल देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, कब थमेगी इनकी मुसीबतें? जरा से भी उम्मीद होती है तो ये टूट पड़ते हैं कि शायद उनका नंबर आ जाए, उनकी बारी आ जाए और वो घर पहुंच जाए। हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे पैदल चलना पड़े, ट्रैक पर चलना पड़े, ट्रेन पर चलना पड़े, पटरियों पर चलना पड़े, कहाँ कैसे भी वो घर पहुंच जाए। सबसे उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसी तरीके से वो घर पहुंच जाए, लेकिन इस पर इसको लेकर के सियासत भी तारी है और जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आकाश राय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत है प्रभात जी। और कांग्रेस के आलोक तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस हमारे कानपुर स्टूडियो से, आपका भी स्वागत है आलोक तिवारी जी। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है दिलीप यशवर्धन जी। सीधा रुक करेंगे आलोक तिवारी का। आलोक तिवारी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद जो ट्वीट किया था, एक वीडियो डाला था, उसके जवाब में सरकार ने आपसे लिस्ट मांग ली है कि आप उन ड्राइवर और कंडक्टरों की लिस्ट दे दीजिए और कौन कौन इसमें आना चाहता है उसकी भी लिस्ट दे दीजिए, अब क्या कहेंगे आप? तो लिस्ट उन्हें मुहैया कराई जाएगी, आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया है। देखिए, ये माइग्रेशन का इशू है और ये आज़ादी के बाद जो है सबसे बड़ा माइग्रेशन है, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा माइग्रेशन है। और ये स्टेट का केवल मैटर नहीं है, ये मैटर रिलेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करता है। और आज़ादी के समय जब देश की आबादी मुश्किल से 35 करोड़ के आसपास थी, तब जितने भी माइग्रेंट्स इधर की तरफ आए, तब एक मानवतावादी सरकार थी और ये जो बंटवारा हुआ था ये बड़ी हिंसा द्वेष की वजह से हुआ था। आज वही लोग सत्ता में हैं जिन्होंने बंटवारा कराया था, तो इसी तरीके से डील कर रहे हैं, हर चीज़ को राजनीति का नाम देते हैं।
आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और अगर कोई पेश कर, हम कहते हैं आप भी करें, बड़ी अच्छी बात है, आप करेंगे, धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन ये इशू राजनीति का नहीं है, क्योंकि ये हर विषय में राजनीति करते हैं, इनको राजनीति ही दिखाई पड़ती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस डाई। हमने देखा कि कल एक बसों की मीलों लंबी कतार राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी थी, मथुरा बॉर्डर पर, राजस्थान से जो आ रही थी, और उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही थी। कितना परेशान हाल मरीज जो लेबर्स वहाँ पर था, और उनको आप इस तरीके से हेल्डअप किए पड़े थे, क्या दिक्कत थी उनको आने देने में? और हमारे जब प्रदीप माथुर जी खड़े थे वहाँ पर, तो आप क्यों नहीं आने? इन चीज़ों को राजनीति पर क्यों ले रहे हैं? अगर ये काम ऐसा है, सबको मिल के करना है। आज सेवा का भाव है, ये इसमें सब कुछ आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? कल राहुल गांधी जी ने आकर के वहाँ पर मुलाकात करी, दुनिया के सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आकर के बात कर रहे हैं। एक सेकंड, राष्ट्राध्यक्ष आकर के बात कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और वुहान में चाइना, आपने देखा शी जिनपिंग तक आए। आज इस देश में उस राष्ट्राध्यक्ष की कमी राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं, और जब वो आ गए रवाना किया तो फप्तियां कसती निर्मला सीतारमण। आपको जोड़ेंगे, आपकी बात हो गई पूरी। जी जी, ठीक, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी जी, आकाश राय जी, जी क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप बसों को आने नहीं दे रहे। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है। कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा अगर मजदूरों का पलायन कहीं से हुआ है तो महाराष्ट्र से हुआ है, पंजाब से हुआ है, और राजस्थान से हुआ है। प्रदीप जी, मैं आई इंटरव्यू, वहां पे ये लोग आखिर उनको बसों के माध्यम से, उनको बसों की व्यवस्था करके उनके गृह राज्य भेजने की व्यवस्था अभी तक इन्होंने क्यों नहीं की? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना, अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से इस महामारी के दौर में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया है वो ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, और मैं बताऊं प्रदीप जी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की थी कि जो जहां है वो वहीं रहे, कहीं की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी राज्य सरकारों का यह दायित्व तो था कि वो अपने मजदूरों को वहीं रोके, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, उसके बाद उनको काम की व्यवस्था करें। आज उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज की हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि कुछ मजदूरों ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमने खाने की व्यवस्था की। लॉकडाउन टू के बाद से ही हमने ईंट भट्टों को खोला, बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों को खोला। आपको रोकना चाहेंगे, शिवराज जी कुछ कह रहे थे, उनको सुन लेते हैं। कल्याण के लिए भी कई योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण का भी काम हम कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के साथ प्रदेश की सरकार खड़ी है, और भारत सरकार ने जो पैकेज दिया है उसको भी आदर्श रूप से हम जमीन पर उतारेंगे, लेकिन अभी सावधान रहना है। लॉकडाउन 4, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अलग रंग में और अलग रूप में होगा, हमको सावधान तो रहना है, लेकिन जान के साथ जहान भी बचाना है, आर्थिक गतिविधियां चालू करना है। और इसलिए मध्य प्रदेश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से, मध्य प्रदेश की जनता से, अलग अलग वर्गों से बातचीत करके लॉकडाउन के नए स्वरूप को तय किया है। अब मध्य प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे, एक ग्रीन और दूसरा रेड, और ग्रीन और रेड दोनों जोन में कंटेनमेंट एरिया और उससे लगा बफर एरिया होगा। अब मैं आपको इन जोन्स में कौन सी चीजें होंगी कौन सी नहीं होंगी उसकी जानकारी दे रहा हूं। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण हैं, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर आना और बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है।
आपको घरों में रहना होगा, अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी, मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं जारी रहेगी, कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में, मतलब रेड और ग्रीन, गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं नहीं होंगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों का आगमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, ये ग्रीन जोन में भी और रेड जोन में भी। इस समय, मतलब शाम 7 से सवेरे 7 तक, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। सार्वजनिक परिवहन, मतलब बस सेवा, अभी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी। 1 सप्ताह बाद हम फिर रिव्यू करके अगला फैसला करेंगे। अब रेड जोन में जो इलाके सम्मिलित है उसको आप ध्यान से सुनिए। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिले, क्योंकि यहाँ शहर के अलावा भी संक्रमण है। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र, ये रेड जोन में होंगे। धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र ये रेड जोन में होंगे। इनके अलावा बाकी जिले ग्रीन जोन में होंगे। आगामी आदेश तक यहां बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद सप्ताह भर बाद समीक्षा करके फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजार में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा, मेडिकल पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों को रोकने में उपयोग किए जा रहे होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन्स, ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जिनका उपयोग भोजन की होम डिलीवरी में हो रहा है, खुले रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, यहाँ खिलाड़ी जाएंगे, दर्शक नहीं जाएंगे। सभी प्रकार का माल परिवहन जारी रहेगा, खाली ट्रक्स भी आवाजाही कर सकेंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का आवागमन
जारी रहेगा। उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों की अनुमति दी जाएगी। शासकीय व निजी कार्यालय 50% क्षमता से संचालित होंगे, आधी क्षमता से संचालित होंगे। ग्रीन जोन में, जो दोनों जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया, होटल मॉल्स वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह, उनको छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां चालू की जाएंगी। मतलब दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी चर्चा पर आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। प्रदीप जी, वही मैं कह रहा था कि इस प्रकार की गंदी राजनीति खास करके इस समय नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो बातें हो रही हैं कि 1000 बसें, ठीक है, 1000 बसें चलाने के लिए आपने कहा, हमने उसका स्वागत किया। अब हमने आपसे मांगा है कि भाई आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि हमें जरूरत है आंकड़े की। अगर हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी तो उन लोगों को कैसे हम क्वारंटीन में रखेंगे, कैसे उनकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे, या जो भी व्यवस्थाएं की जा सकती है, तो ये तो जानकारी इनको देनी पड़ेगी। लेकिन ये झूठ इसलिए मैं कह रहा हूं बोलते हैं कि अगर राजस्थान से इन्होंने बसें चलाई होती तो जो औरैया में हमारे 2 दर्जन मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई है, शायद वो नहीं होती। सिर्फ झूठ बोलना और झूठ बोलना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक 300 से अधिक ट्रेनों के माध्यम से हम कम से कम 12 लाख से ऊपर मजदूरों को हम उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं, और अभी भी लगातार दिन प्रतिदिन 30 से 35 ट्रेनें आ रही हैं। और कहीं पे भी अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी मजदूर, कोई भी किसान, कोई भी गरीब अगर फंसा है तो उसकी चिंता हम कर रहे हैं। लेकिन इस महामारी में, इस दुखद दौर में कांग्रेस पार्टी के लोग अपना वास्तविक चेहरा जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आलोक तिवारी जी, हम आपके पास आएंगे। नहीं नहीं, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात, मैं बहस नहीं कर रहा हूं। लोगों को चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद आऊंगा। नहीं आलोक तिवारी जी, ये मेरी, मैं मेरा एक ऑब्जेक्शन नोट कर रहे हैं। सबसे पहले बाकी लोग भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे। जी जी, अवश्य करें। मेरा एक ऑब्जेक्शन नोट कर लें। अब मैं बात नहीं कह रहा हूं अपनी। आपने उस दिन मुझे निर्लज्ज शब्द पे टोक दिया था। आप अपना ऑब्जेक्शन उस समय नोट कराइएगा। इन्होंने झूठा कहा बेशरम का, नाउ ही विल बी रिप्लाइड इन द सेम कॉइन। हाँ नहीं, ये गलत बात, ये बात ठीक है। मैं कह देता हूँ आकाश राय, असंसदीय भाषा का प्रयोग ना किया जाए। प्रदीप जी, पिछली डिबेट में इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में किस किस प्रकार की भाषा की थी, वो मैं भूला नहीं। अरे आपके प्रधानमंत्री झूठे हैं, कुछ गलत कहा। आप कांग्रेस को क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री झूठे हैं, जो हर मौके पर झूठ बोलते, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं कर पाते कि पत्रकार इनका 56 इंची देख लेगा 2 मिनट शब्द का इस्तेमाल किया हो तो। आप बात सुनिए आलोक जी, आप आलोक बात नहीं सुनते। प्रभात त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, ये मंच झूठा और ये सच्चे का नहीं है जी। सवाल, हम डिबेट कर रहे हैं मजदूरों की समस्याओं को लेकर। आज इस जो स्थिति इस समय मजदूरों की खड़ी हुई है, आज जो गाजियाबाद के रामलीला मैदान का दृश्य फिर उमड़ा। हाँ। इसके पहले कई दृश्य हमने देखे। देश की आजादी के बाद ये सबसे बड़ा जो ये पलायन मजदूरों का हुआ, आखिर क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार जब कोई गाइडलाइन जारी करती है, लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया, आज 4th लॉकडाउन में राज्यों को थोड़े अधिकार दिए गए हैं। ये पूरी जिम्मेदारी थी कि अगर कहीं से मजदूरों का पलायन हो रहा है तो जो एक दूसरे राज्य एक दूसरे के ऊपर टीकरा फोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, ये नहीं होना चाहिए। मानवीय संवेदना ये कहती है कि देश का मजदूर जो वोटर है, जिसने वोट दिया है, जिसने केंद्र की सरकार बनाई है, राज्यों की सरकार नहीं बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में जाके उन्होंने महाराष्ट्र में राज्य की सरकार बनाई है जी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पे वोट दिया है जी। अब अगर एक अफवाह उड़ी वहां महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सारे मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कहने का। अब ये खबर किसने उड़ाई, क्यों उड़ाई? सारा मजदूर भाग पड़ा। देखिए राज्यों को तो सबसे बड़ी चीज महाराष्ट्र तो चाहेगी कि यूपी और बिहार के मजदूर जो है वहां से भागे और उनके लोकल मजदूर वहां उनको काम मिले। तो आज जो ये राजनीति हो रही है राज्यों की और केंद्र की, ये नहीं होनी चाहिए। मजदूरों का एक मास्टर प्लान बनना चाहिए कि जो मजदूर बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, वो कैसे जाएंगे, ट्रेनें लगा देनी चाहिए, बसों से इतनी लंबी यात्रा संभव नहीं है, और रेल विभाग को उदार होना चाहिए। ये जो बार बार बात आ रही है कि 85% हम पैसा दे रहे हैं, 15% कांग्रेस,
राज्य देगी या कांग्रेस कह रही है कि हम टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस की प्रियंका कह रही है कि हमने 1000 बसें गाजियाबाद के पास खड़ी की है, परमिशन नहीं मिली। आज प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी कह रहे हैं कि आप उनके ड्राइवर के डाइए, तो ये 2-4 दिन तो इसी में लग जाएंगे। और गरीब आदमी मजदूर तो सड़कों में पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक, वो मजदूर कहाँ जाएगा, उनको खाना भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चिंता का विषय है। ये आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, हम दोबारा से आपको आएंगे, लेकिन जरा उससे पहले यशवर्धन जी का रुख कर ले। दिलीप जी, क्या कहेंगे आप इस राजनीति को लेकर के, मजदूर है मजबूर, लेकिन सियासत है जोरदार। दिलीप जी, दिलीप यशवर्धन जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही है तो मैं आपसे वही जानना चाहूंगा कि ये मजदूरों पर जबरदस्त सियासत हो रही है, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, मजदूरों का पलायन हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, वो परेशानी में है, ये एक प्रकट सत्य है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि क्या सत्य सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे का सत्य कुछ और है? देखिए, जब राजनीति की बात हम लोग करते हैं कि इस गहन ऐसे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि राजनीति करने की ज़रूरत किसको है, जो पार्टी सत्ता में बैठी है। हेलो प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको सुनाई जा रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मजदूरों का पलायन हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, ये एक प्रकट सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सत्य क्या सिर्फ इतना ही है या पर्दे के पीछे का सत्य कुछ और है? हम जब आज देख रहे हैं कि यह हर आदमी ये कह रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है, तो सवाल मेरी तरफ से ये खड़ा होता है कि इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत किसको है? सत्ता के पास तो इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सत्ता को उस समय काम करना है और सत्ता ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी जनता को परेशानी हो। दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय अभी कह रहे थे कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो जो लोग सत्ता में तब बैठे थे, जिन्होंने बंटवारा कराया था, वही लोग सत्ता में आज भी बैठे हैं। तो मैं उन प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का तब तो नामो निशान भी नहीं हुआ करता था। विचारधारा की बात है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी, विचारधारा की बात है, दक्षिणपंथी विचारधारा भी नाम बदलती रहे तो इसका कोई क्या कहे? इतिहास पढ़ लिख के आइए, राजनीतिक विश्लेषण तब करिए आकर के, इतिहास पढ़ के आइए तब राजनीतिक विश्लेषण करिए। तो क्या नाम बदला, नाम बदलने से क्या हो जाता है? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, विभिन्न प्रदेशों में इन मजदूरों के खाने पीने और रहने का इंतजाम नहीं करा सकती थी? और अगर उनको घर जाने की चिंता थी तो क्या ये अरेंजमेंट वहां से नहीं कराया जा सकता था? यूपी में सिर्फ परेशानी, इन्होंने कहा कि 1000 बसें खड़ी हैं, यूपी सरकार की तरफ से बसों की लिस्ट मांगी गई और ये ऑर्डर सुबह कर दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक तो कोई लिस्ट जारी नहीं करी गई। भाजपा के दूसरे प्रवक्ता हैं, कहां खड़ी हैं वो भी नहीं, ये बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता हैं। इस मौके पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां जरूर कर रही हैं, ये मेरा अपना वर्जन है, क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी को यहां राजनीति करने की जरूरत है ही नहीं। और जी कोई जरूरत नहीं, ठीक है ठीक है, दिलीप जी आएंगे दोबारा से आपके पास में, जानकारी आपसे हासिल करेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष को राजनीति करने की जरूरत है तो विपक्ष को अपनी आमद भी तो दर्ज करानी है ना, वो सत्ता विपक्ष का काम है कि वो अपनी आवाज उठाएगा, वो अपनी आवाज को दिखाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि आप एक वो कर सकते हैं। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर मजबूर है मजदूर लेकिन सियासत है जोरदार, क्यों हो रही है इस पे सियासत, दो भागों में बट गए, कुछ इधर कुछ उधर, और सब पूरी तरीके से राजनीति इसमें हावी है।
और अगर कहीं इसमें किसी को परेशानी है तो वो परेशानी है मजदूरों को। आखिर उनकी कोई क्यों नहीं सुनता? तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, इसके बावजूद सड़क पर क्यों है ये मजदूर? परेशान क्यों है मजदूर? बेहाल क्यों है मजदूर? ये एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया Mount Litera Z School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Mundao. Aap dekh rahe hain K-News, khabron ka saarthi. के बाद आपका स्वागत है और सीधा आलोक तिवारी जी का रुख करेंगे। आलोक जी, आपसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है, आप एक एक सवाल सुनते जाइएगा, उसका जवाब देते जाइएगा, क्योंकि समय कम है और फिर आप आकाश से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आकाश राय जी से भी। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ सीधे सवाल हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। 4 ट्वीट किए हैं योगी जी ने। पहला ये कि जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र में ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व बंगाल क्यों भेजा जा रहा है? मुख्यमंत्री जी पहले ये बताएं कि इन्होंने जो बसें, वो बसें नहीं थी, क्या थे कल मथुरा बॉर्डर पर? मुख्यमंत्री जी थोड़े हम राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने सत्ता में रह के जितनी राजनीति करी है, और मैं कारण बता दूं आज मजदूरों की छींचा लेदर क्यों हो रही है। मजदूरों की छींचा लेदर का कारण है ये रात 8 बजे की अविवेकी अनियोजित योजनाएं। कभी आ गए नोटबंद, कभी 4 घंटे के नोटिस पर, जब 500 आदमी थे तब आप जनाब जो है एकदम लॉकडाउन कर देते जी। इधर उधर की बात नहीं, ये कनेक्ट, ये इशू के पास जब 1000 बसें थी, पीछे इतिहास में मत घुमाइए हमको। हाँ। सीधा सवाल और सीधा जवाब, आपके पास जब 1000 बसें थी राजस्थान में क्यों नहीं लगाई आपने? अरे भाई वो राजस्थान की वो कल मैं पहले बता चुका हूँ कि वो मथुरा बॉर्डर पर वो बसें कौन सी थी, वो राजस्थान से श्रमिकों को ला रही थी, राजस्थान से श्रमिकों को ला रही थी। इन्होंने तो रेल का किराया तक ले लिया। ये जो प्रधानमंत्री कहते थे मैं हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में सफर कराऊंगा विद द 50 रुपीज सरचार्ज, आज क्या हो रहा है गुजरात में? लूट चल रही है। मैं बताऊं आपको, मजदूरों का बड़ा सम्मान करते हैं, मजदूरों को क्लोरीन से नहला दिया इनका, इनके स्वामी प्रसाद मौर्य मजदूरों को मौत का सौदागर बोल रहे थे, इनके उदय भान सिंह मजदूरों को चोर डकैत बोल रहे थे। सूबे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं उनसे जवाब दीजिए जी योगी। अरे पहले सवाल सुनिए, पहले आप जवाब दीजिए उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। सवाल नंबर 2, योगी जी ने कहा औरैया में जो सड़क दुर्घटना हुई वो बसें राजस्थान से आ रही थी, अगर उनको कायदे से लाया जाता तो ये दुर्घटना भी ना होती। योगी जी पहले ये बताएं कि इतनी अमानवता कैसे हो गई कि इन्होंने मजदूरों को, घायलों को, डेड बॉडीज को एक साथ भेज दिया
हम पर सवाल उठाने वाले पहले ये जवाब दें, इस मानवता की अमानवता की पराकाष्ठा को इन्होंने पार कर दिया। इनकी योगी की सरकार में मजदूरों को मौत का सौदागर कहा जा रहा। योगी पहले जवाब दें, चोर डकैत कहा जा रहा, बुलंदशहर के डीएम ने उनको खाना पानी देने वालों को पेनाडेमिक एक्ट में प्रोसिक्यूट करने की बात कर दी। जवाब दीजिए जी, सुन लीजिए जी, बहुत लंबा समय नहीं है, टीवी का इतना लंबा समय नहीं होता है, आप तो अच्छे डिबेटर हैं, आपको पता है जी। सवाल नंबर तीन सुन लीजिए जी, सवाल नंबर तीन, योगी जी ने पूछा है आपको जब 1000 बसें चलाने की अनुमति दे दी गई तो उनकी लिस्ट अभी तक क्यों नहीं मिल रही है? अरे अभी देर शाम तक तो अनुमति दी है, लिस्ट 1000 आदमी की ड्राइवर कंडक्टर स्टाफ की तैयार होने में टाइम लगेगा ना, हमारे यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं होता है। इनकी सरकार ने तो मजदूरों के झुंड को क्लोरीन से नहलाया है और लेबर और इतना निर्मम सामंतशाही, इन्होंने लेबर लेबर ला सस्पेंड कर दिया, मेमने के सामने भेड़िया डाल दिया। और राजनीतिक यशवर्धन जी से मैं कहता हूँ कि पहले इतिहास को समझ बूझ लिया करें, विश्लेषण किया करें। नहीं नहीं, गलत बात करते हैं एक चैनल पर बैठ करके, उत्तर प्रदेश की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं जी, आपको सवालों के जवाब देना पड़ेगा। मैं दे तो रहा हूँ आलोक जी, 1000 बसों का जब आपको परमिशन मिल गया जी, तो उसकी लिस्ट अभी तक क्यों नहीं भेजी? अरे भाई, देर शाम तक तो लिस्ट जारी है, इन्होंने परमिशन दिए अभी अभी, मैंने मोबाइल में खबर सुनी है, लिस्ट क्या अलादीन का चिराग है कि एकदम से लिस्ट तैयार हो गई 1000 बसों का, कम से कम 2000 आदमियों का स्टाफ होगा, एक ड्राइवर एक क्लीनर, इट विल टेक टाइम। प्रधानमंत्री की घोषणा है जिसकी वजह से ये भारत माता है जो मर रही है, ये भारत माता सड़क पे मर रही है, भारत माता सड़क पे मर रही है, आते हैं चले जाते, किसी दिन कहते हैं बत्ती बुझा दो पूरा देश खतरे में पड़ जाता है, किसी दिन कहते हैं नोटबंदी कर दो, तमाशेबाजी करके देश के नाश करके धर दिया इन्होंने। ठीक है, आप नोटबंदी फिर समय खराब कर रहे हैं आप। अरे मैं कहता हूँ कि ये 8 बजे के पुलिस डिसीजन, ये 8 बजे के पुलिस डिसीजन, जब 500 मरीज थे तब आपने कह दिया, और 55 दिन क्या करते रहे आप, 36 दिन बाद बस की याद आती, 40 दिन बाद उनको ट्रेन की याद आती, किराया वसूलते हैं, गुजरात में 500 के 2500 खरीदे जा रहे हैं, और राजेश वर्मा ने एक पत्रकार ने सवाल उठाया तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर दिया, लूट चल रही है। कांग्रेस तो अपने फंड से पैसा खर्च कर रही है, बीजेपी अपने फंड से कितना पैसा खर्च रही, जो इलेक्शन बॉन्ड में रिश्वत लेती है, बताएं ये कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने 8-9 लाख रुपया किराया दिया मजदूरों का, पहले आप सवाल सुनिए, 50-50 रुपया सरचार्ज लगा के मजदूरों, इनका झूठ साबित हुआ, इनके रेल मंत्री का झूठ साबित हुआ है, हमारे भूपेश बघेल इनके रेल मंत्री का झूठा साबित किया किराए का लेकर के। बाकी जगह ट्रेन क्यों नहीं चल रही है आलोक जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश में आ रही है, बाकी राज्यों में ट्रेनें क्यों नहीं जा रही है? मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद एन ऑरेंज, छत्तीसगढ़ की जितनी आबादी है ना, वो रिक्वायरमेंट पर एडिक्वेट ट्रेन लेगी ना, उससे ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार का है। 14 ट्रेन मांगी थी, 14 ट्रेन का किराया दिखा दिया, अब आप क्या चाहते हैं, 250 ट्रेन गुजरात जा रही तो खामखा 250 ट्रेन बुला ली जाए, छत्तीसगढ़ की कितनी आबादी है ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेहूदे किस्म क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं आपको नॉलेज होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ बिहार का कोई कंपैरिजन है? डेड बॉडी और इंजर्ड को एक साथ इनकी सरकार भेजती, क्लोरीन से नहलाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य मौत का सौदागर बोलते हैं, और ये मानवता की बातें हैं उठा रहे हैं बैठ करके। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपको धन्यवाद दिया कि आपने 1000 बसें चलाने की, 100 बार धन्यवाद, इन्होंने परमिशन दे दी, मालिक है खालिक है, हो पाएगा कि सारे लोगों के नंबर करके उसमें वक्त लगेगा ना आपको देने में। प्रदीप जी, मैंने चर्चा के शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ की पुलिंदा है, ऐसा मैंने क्यों कहा उदाहरण के साथ में समझा। अरे यार, सिकंदर को तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी जी ले जाते हैं बिहार तक, लड़ाते कितना बोलेंगे झूठ, ये कांग्रेस के ऊपर अपशब्द उठाएंगे, मैं बीच में बोलूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। सवाल पूछा प्रदीप जी ने, एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, ये गोयबल्स के मानस पुत्र ये कांग्रेस को झूठा बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, हिम्मत नहीं तुम्हारे पर, हमारे प्रधानमंत्री की निकल के आ जाए यार। अभी प्रधानमंत्री, मैं चैलेंज देता हूँ, ऐसे टर्मोइल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अभी पत्रकार इनको उड़ा के रख देंगे कि 56 इंची तुम कितना झूठ बोलते हो, झूठ का पुलिंदा, अरे गोयबल्स के मानस पुत्र तुम हो यार। अभी पूरी फेहरिस्त ना, मैं पूरी फेहरिस्त इनके झूठों की खोल दूंगा, इन्होंने झूठ की खेती की है तो आज जहर पैदा हुआ है,
ये नंबर ही झूठे, इनकी पूरी इनके डाउन टू अर्थ कार्यकर्ता से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब झूठे हैं। अभी लास्ट एड्रेस में झूठ बोल गए प्रधानमंत्री। कांग्रेस को झूठा बोलोगे बस छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। हमारे पास है और इसकी परमिशन दीजिए। आज सुबह ही परमिशन उनको ग्रांटेड कर दी गई। अभी तक उनके पास, अगर इनके पास 1000 बसें थी तो निश्चित रूप से ये फिर गलत कह रहे हैं। शाम तक परमिशन आई है, शाम को परमिशन आई है। जहाँ पे भी इनकी सरकार है, अभी आप ही के चैनल पर दिखाया है प्रदीप जी मजदूरों को, ये फिर ये खुद चैनल पर झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस को झूठा बोलते हैं। और अगर इनको इतनी चिंता थी कि उनको उनके गृह प्रदेश में भेजा जाए तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था करते बसों की, ट्रेनों की, और ये हमसे परमिशन मांगते। आज कहाँ गया? आज गरीब का बेटा कहाँ गया? ये नौटंकी करने के लिए पैर धोने आते हैं, आज पैरों से खाले उधर रही तो सात कल्याण लोक कल्याणकारी मांग के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ और बिहार से आके काम करते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था हमने की है यहाँ। इवेंटबाजी में गरीब के बेटे बनते हैं। प्रदीप जी मैं बता दूं, जी आकाश जी सवाल ये, भोजन की व्यवस्था की? नहीं नहीं आकाश, सवाल ये, सवाल सुन लीजिए, सवाल जी, सवाल ये है कि जब आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी, सारा किसान खुशहाल है, तो फिर ये किसान घर पे क्यों नहीं, बाहर क्यों निकल रहा है, मजदूर बाहर क्यों निकल रहा है? जी वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों को पलायन बहुत ही कहीं हल्का फुल्का हुआ होगा, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं आई, क्योंकि सरकार तत्पर है। हमारे हर जिले के जिलाधिकारी SSP तत्पर हैं, वो देख रहे हैं चीजों को। लेकिन आप ट्रकों से और कंटेनर में सीमेंट के और इस तरीके से लोगों को बॉर्डर पे ला के इकट्ठा करेंगे, अराजकता फैलाने की कोशिश। ये जो मजदूर तारे निकले, क्या कांग्रेस इकट्ठा कर रही है, ला रही है? प्रदीप जी निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार भी इसमें फेल साबित हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज, मतलब जहाँ जहाँ पर आपकी सरकार नहीं वो सरकारें षड्यंत्र। अरे उम्र बीती, सड़कों पे मरे, होटलों में इनकी जिंदगी षड्यंत्र में बीती है, ये षड्यंत्र बता रहे हैं। उसकी ये जिम्मेदारी इनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब षड्यंत्रकारी है। को मजबूत करने के लिए जो हमारे मजदूर वहाँ पे काम करते हैं उनकी वो चिंता करें। रुपया वसूलो, मजदूरों की खाल उतार के 50 रुपया एक्स्ट्रा वसूलेगा तुम्हारा मंत्रालय, जो विपदा काल में भी किराया नोच बैठा। निर्माण कार्य आप साहूकारी दिखा रहे हैं, बड़े पैकेज वाले हैं, बता दें। मुद्दे से भटके कि नहीं, मुद्दे से नहीं भटके, षड्यंत्र था ना, ना। मुझे ये बता दें कि मजदूरों इनके पैकेज में, मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन का कितना अमाउंट है, ये बता दें इनके इनके पैकेज में, इनके पैकेज में फिस्कल स्टिमुलेशन कितना है। डिबेट आप ही कर लेंगे क्या प्रभात त्रिपाठी? क्या क्या लग रहा है आपको कि ये जबरदस्त सियासत चल रही है मजदूरों को लेकर के? जी निश्चित तौर पर, पहले तो मैं आलोक जी कहूंगा कि आलोक जी संसदीय भाषा का प्रयोग करके डिबेट में बैठे जी, विरोध करें सरकार का। आप कांग्रेस पार्टी, मैं संसदीय भाषा ही बोल रहा हूँ, लेकिन जरा मर्यादा, मैं मर्यादा भी बोल रहा हूँ, मैं संसदीय भाषा बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए। मैंने क्या संसदीय भाषा बोली? थोड़ा अब खामोश हो जाए ना, आपकी बारी। तो आप तो आप टीका टिप्पणी मत करिए, आप अपनी समीक्षा करिए, मुझ पर एक्सपर्शन मत पास करिए। आप ही की बात कर रहा हूँ आप। अरे अरे तिवारी जी, आप क्या पूरी डिबेट में अकेले बोलेंगे? मुझ पे एक्सपर्शन मत पास करेंगे। रुकिए, आ रहा हूँ आपके बाद में, थोड़ा शांत रहे। चलिए अपना ज्ञान दीजिए, मुझ पर कमेंट मत पास करिए। सुनिए फिर बोले आप। चलिए आलोक जी रुकिए भाई, प्रभात त्रिपाठी जी आप अपनी बात रखिए। जी प्रदीप जी, जी आज हम लोग जो चर्चा बार बार ये आ जाती है राज्यों वाली, जी राज्यों देखिए कहीं ना कहीं हम विफल हुए हैं इस पूरे मजदूर के मास्टर प्लान को बनाने में। मजदूर को तत्कालिक व्यवस्था चाहिए, रोटी तत्कालिक चाहिए उसको। देखिए आज ये जो स्थितियां उठी हैं कि मजदूर महाराष्ट्र से भागा, पंजाब से भागा, आखिर ये लॉकडाउन 3 के तक बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा, कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाएं हुई। मैं ये कहता हूँ चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, केंद्र शासित जितनी भी कांग्रेस की सरकारें हैं, ये बार बार टीकरा उत्तर प्रदेश या बिहार या इन पे छोड़ देती हैं। अरे आप बात कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए। देखिए डिबेट में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, बिल्कुल ठीक बात, ये होता है, ये एक परंपरा है। आपको क्या लगता है, क्या लगता है ये भाजपा आरोप लगा रही है? नहीं जी, मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार से थोड़ी सी चूक हुई है जी। मजदूर कोई राज्यों का मजदूर नहीं है, मजदूर भारत का मजदूर है। जो भी मजदूर सड़कों पे चल रहा है, जिसके खाने पड़ रहे हैं, दो साल की बेटियां जिनके पास खाने के लिए वो नहीं है, और एक डीएम आगरा का कह रहा है कि वो बच्चा तो जो सूटकेस में जा रहा है, ऐसे तो पहले हम जाते थे, क्या वो डीएम सस्पेंड हुआ अभी तक, वहां से हटाया गया? ऐसे जो मानवता की जो बातें हैं
डीएम ने इतनी असरसी बात का ये एक प्रयोग किया और डीएम वहां आगरा में है नंबर एक बात जी। मैं ये कह रहा हूं कहीं ना कहीं हम विफल हुए हैं इस पूरे मजदूर के आज जो सियासत का ये केंद्र मजदूर बन गया है इस देश के अंदर सारी चीजें पीछे हो गई है। कोविड वैश्विक महामारी में सरकारें जो विफल हुई हैं उसका पूरा टीकरा मजदूर पे आके फूट गया और सारा जो चित्र दिखाई दे रहा है मजदूर परेशान है। अब इसकी जो मजदूरों की समस्या का हल कौन करेगा? मजदूरों की समस्या का हल अब राज्य सरकारों के हाथों से निकल चुका है। मैं आपको बता रहा हूं प्रदीप जी, ये अगर उस समय ट्रेनें चला के और एक पूरा बना देते कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ से इस ट्रेन से जाएंगे, ट्रेनें जाएंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, इसमें एक दिक्कत ये, एक लेकुना ये है, एक कमी ये है कि अगर उस समय कर देते तो आज जो हमने ये संख्या को रोक के रखा है ये संख्या आज करीब 4-5 लाख होती। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपने संख्या रोक दी, संख्या लगातार बढ़ रही है और ये जो मजदूर गांव में जा रहे हैं, आपको मालूम है गांव की तस्वीर कि गांव में ये मजदूर क्वारंटीन जो किए जा रहे हैं वहां पे लोग उनको छोड़ दे रहे हैं और पूरे गांव में घूम रहे हैं। नीति आयोग को झूठा पड़ गया, ब्लॉक प्रमुख देख रहा है ना, 16 तारीख तक कोई मरीज नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ और ये महामारी अगर गांव में फैल गई प्रदीप जी तो ये मजदूरों का जो ये संकट आज हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वैश्विक महामारी का एक ये लोग मानव बम की तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा कोविड जो है बम की तरह ये गांव में पहुंच रहे हैं। और एक चीज और कह के मैं खत्म करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज का दौर किसी सरकारों में आरोप लगाने का नहीं है। योगी सरकार काम कर रही है, सभी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये आत्ममंथन करने का है कि किसकी तरफ से चूक हुई है और देश और का जो गरीब आदमी है, जो गरीब मजदूर है वो आज जो मारा जा रहा है सड़कों पे, जितने कोविड से नहीं मरे हैं उतने एक्सीडेंट पे मारे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बाद में मुआवजा दिया जा रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात बिल्कुल। दिलीप यशवर्धन का रुख करेंगे। दिलीप जी, आपने कहा कि सरकार का काम है काम करना, विपक्ष का काम है राजनीति करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा देश खाली विपक्ष रहित हो जाना चाहिए? इस समय विपक्ष को अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? जी दिलीप जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। जी 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 दिलीप जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा प्रदीप जी, मैंने ये कहा कि इस मौके पर सत्तारूढ़ पार्टी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये कहा। और विपक्ष जो अपना काम करता है, विपक्ष का काम बहुत जरूरी है, विपक्ष के बिना तो प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता है, लेकिन विपक्ष सही चीजों को पॉइंट आउट करे। नहीं, आपने ये तो मौका राजनीति करने का नहीं है, ये मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, अगर विपक्ष को या जिसको भी मजदूरों की चिंता है तो इन मजदूरों की चिंता उन्हीं शहरों में, इन्हीं प्रदेशों में रह करके भी की जा सकती थी, उनके लिए वहाँ खाने का अरेंजमेंट किया जा सकता था, उनके लिए वहाँ रहने, हाँ मैं रख रहा हूँ अपनी बात, उनको वहां रहने का अरेंजमेंट कराया जा सकता था, इनको पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और देखिए धीरे धीरे हर राज्य में काम शुरू हो रहा है, जो मजदूर कमाने, हाँ मुझे आवाज मिल रही है, पलायन तो सारे राज्यों से हो रहा है ना, क्या सिर्फ? हेलो, कुछ ही राज्य, हाँ मिल रही है आपकी आवाज। हेलो, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ, पलायन तो सारे राज्यों से हो रहा है ना? आवाज आ रही है जी, आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। जी मैंने ये कहा था कि सरकार को इस समय राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष को राजनीति करने की जरूरत है, सरकार को राजनीति करने का कोई जरूरत नहीं है इस समय। ठीक है आप आलोक जी, अब आप अपनी बात आकाश राज जी से सीधे पूछ सकते हैं और आकाश राज जी आप अपना सवाल आलोक जी से पूछ सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दोनों के पास पर्याप्त समय है।
कि ये जो इतना बड़ा पैकेज है इसमें मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन का पहुंचाने का आज यशवंत सिन्हा जी इन्हीं की पार्टी से की बात नहीं हो रही है। मैं बात पूछ, अरे अरे आप तो मेरी बात यार कहने नहीं देते प्रदीप जी। मैं कह रहा हूं कि इस पैकेज में मजदूरों को वापस पहुंचाने का भी प्रावधान है। आज यशवंत सिन्हा जी ने राजघाट पे धरना दे रखा है। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जी जी आपको मेरी डिबेट के मायने नहीं पता है। मुझे समझ मेरी डिबेट का मतलब होता है जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उसी मुद्दे पर। मैं कह रहा हूँ मैं मजदूर के मुद्दे पर ही हूँ कि यशवंत सिन्हा जी आज धरना दे रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये आर्मी का इस्तेमाल जो राजनीतिक नुमाइश के लिए करते हैं, अगर ये काम आर्मी को दे दिया होता इन्होंने मजदूरों को इधर से उधर ले जाने का, तो ये काम वो आर्मी बहुत ही स्पेशलाइजेशन के साथ बड़ी अच्छी तरीके से कर देती। और आज मैं जिम्मेदार न्यूज चैनल की बात बता रहा हूँ कि गुजरात, अरे भाई मुझे बात पूरी कर लेने दें, मुझे बात पूरी कर लेने दें कि गुजरात से मजदूर यूपी बॉर्डर तक आके लौटा दिए गए हैं। भैया गलत काम करते हैं आप लोग, हमेशा से आप लोगों की आदत है। 2014 के बाद से जब से केंद्र में मोदी जी आए हैं तब से सिर्फ आप लोग एक अच्छा काम बता दो। ये आईएसआई को बुलाने वाले अच्छा, देखो अगर कहोगे अच्छा काम गिना दो, देश में बेरोजगारी दम तोड़, बेरोजगार भुखमरी के कागार पर दूसरे नंबर पर ले आए, एक अच्छा काम बता दो। देश मर ऐसे रहा है, झूठ की खेती की है, जहर पैदा हो रहा है। अरे भूखमरी की चिंता आप महाराष्ट्र में कितनी कर रहे हैं? अमा यार एक साल के अंदर कांग्रेस की सरकार 55 हंगर इंडेक्स पर 55 नंबर पर छोड़ गई थी। झूठ बोलते हैं 103 नंबर पर ले आए हो, पढ़ लिख के आया करो। मैं बात क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं पता कर लो, पढ़ते लिखते होने बिना पढ़े लिखे चले आते हो, मुझे बताओ। अरे यार इतना पढ़ते लिखते हो तो बता दो कि तुम्हारे पैकेज में फिस्कल स्टिमुलेशन कितना है, गवर्नमेंट कैश कितना दे रही, लाला बने हो, साहूकार बने हो, मदर इंडिया के सुखी लाला बने हो, कर्जा दोगे? अरे यार झूठे बोलते हैं ये, हर बात में आदमी झूठ बोल रहा है। और ये संगी केवल झूठ की पैदाइश है। हाँ भी मुद्दा हमारा ये है किसानों को लेकर के जो सियासत हो रही है मुझ पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा उन पर भी तरस खाइए। हाँ मैं बता दूं किसान की कितने प्रेमी है। इनकी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार रिपोर्ट देती किसान की आत्महत्या पर कि किसान नपुंसकता से मरता है। और जब दिल्ली में नंगा किसान पड़ा हुआ था तब ये वीडियो बनवा रहे थे विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज, जब किसान अपनी पेशाब पी रहा था। ये गरीब, हे भगवान अब गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री ना बना देना। अरे निकल के आए अपने देश की जनता के सामने, एक बार हिम्मत है तो निकल के आए। जुमले बम की कारपेट बम्बिंग में इस देश को नाश कर दिया है, दूसरे को झूठा बोलते हैं। अभी गिनाना चालू करो फिर दो प्रोग्राम लग जाएंगे तुम्हारे झूठ अगर बताएंगे तो। और कांग्रेस की सरकार को इसीलिए सत्य सर चल के बोलेगा, सत्य सर चल के बोलेगा। अभी डंडा लेके दौड़ाए जाओगे, ये पैर के छाले तुम्हारी हुकूमत को हिला देंगे, याद रखना। ये पैर के छाले तुम्हारे, अरे तुम्हारा स्वामी प्रसाद मौर्य आने वालों को कहता मौत का सौदागर, इतनी अरे अरे जहालत की हद कर दी, क्लोरीन से नहला दिया झुंड के झुंड। मैं गलत बोल रहा हूँ प्रदीप जी? आप बताइए, क्लोरीन से नहला दिया, लेबर ला खत्म कर दिया आपने, मेमने को डाल दिया भेड़ियों के सामने आपने, सामंतशाही लाना चाहते हैं? क्यों खत्म किया लेबर ला आपने, बताइए आप? लेबर्स के राइट नहीं है? कितनी देर काम करे उसके राइट नहीं है? हो गया। अरे हो गया नहीं, चार प्रोग्राम लग जाएंगे तुम्हारे झूठ और धर्म के नाम पर कुकर्म की राजनीति है। ईश्वर देख रहा है, औरत के अपमान की जो पराकाष्ठा है तुमने पार करी है, याद रखना। द्रौपदी के चीर हरण पर कुरुवंश नाश हो गया था, तुम्हारे प्रधानमंत्री के लेबल से औरत के अपमान की जो सीमाएं तोड़ी गई हैं, याद रखना तुम। कांग्रेस का नाश होगा ऐसे। अरे अरे देखते जाओ गधे के थर से सिंह, ये कंस का शासन, ये कंस का शासन अब अपने खात्मे की तरफ है। प्रधानमंत्री बोलता है विधवा और औरतों को जलील करने वाले। कांग्रेस चर्चा में शामिल होने के लिए तो सियासत जोरदार है, ठीक है आलोक जी, समय समाप्त हो गया, इतना ही समय था हमारे पास में। सियासत जोरदार है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश का यही हाल है कि मजदूर सड़क पर है, बेहाल है, परेशान है, हलकान है, लेकिन उनको लेकर के सियासत भी जोरदार है। हर व्यक्ति ये दावा कर रहा है, हर राज्य सरकारें ये दावा कर रही हैं कि उसने सबसे ज़्यादा अपने मजदूरों के लिए किया, अप्रवासी मजदूरों के लिए किया, श्रमिकों के लिए किया,
सब कुछ अपना निछावर कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा बेहाल सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये सड़कों पर ये श्रमिक क्यों निकला हुआ है। हम इसी सवाल के साथ में छोड़ जाते हैं, जनता के हवाले कर जाते हैं। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।